वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ शे पैलेस में। शे पैलेस कहाँ पे है? शे विलेज में है और शे विलेज पड़ता है ले से 20 किलोमीटर पहले। और ये यहाँ की जो विशेषता है वो ये थी कि जो लद्दाखी राजा हुआ करते थे ये उसकी समर कैपिटल होती थी। सो दिस इज द शे पैलेस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है शाक्यमुनि बुद्धा। शाक्यमुनि एक्चुअल में शाक्य जो है कास्ट होती है जो कि कश्मीर में होती है, और बुद्ध को वो अपना ऋषि मानते हैं। और ऐसे केस में फिर जो इस तरह से बोला जाता है कि शाक्यमुनि बुद्धा, तो शाक्यमुनि बुद्धा की 12 मीटर ऊंची कॉपर से बनी हुई यहाँ पे स्टैचू है जिसको गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है। हमने शे पैलेस पे चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और ये देखिए पैनारामिक व्यू जो है आसपास का। वैसे लद्दाख में ग्रीनरी नहीं है लेकिन यहाँ स्पेशली इस जगह पे देख सकते हो कि कुछ ग्रीनरी जो है यहाँ पे देखने में आती है। तो लगभग 6 पैलेस ऊपर आ चुके हैं और आगे भी देखते हैं क्या। यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं आसपास में। और ये एंशिएंट पैलेस एंड श्राइन शे एंड दिस इज़ द कंप्लीट हिस्ट्री गिवन ऑफ शे पैलेस। मैंने बताया था कि ये शे पैलेस जो है समर कैपिटल हुआ करती थी लद्दाख की किंग्स की। तो जब भी वो समर टाइम में यहाँ आते थे और कुछ टाइम अपना यहाँ देते थे, जो कि गर्मियों के दिन कहा जाएगा लद्दाख में कौन से होते हैं वो यहाँ निकालते थे। तो देखिए लद्दाख की कल्चर जो होती है उसमें जिस तरह से आपने देखा होगा छत होती है, छत में ये लकड़ी का बना होता है, सेम शे पैलेस में है। बहुत कुछ वुडन वर्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये सारा लकड़ी का है, बहुत ही पुराना है। 11th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम बना था ये, तो उसके बाद में रिनोवेट हुआ और फर्दर आगे चलता रहा। तो हम इस शे पैलेस के बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए पूरा मिट्टी का बना हुआ है और यहाँ अगर इसकी छत मैं दिखाना चाहूँ तो छत पे भी ये पूरा मिट्टी है। तो ये पूरा मट से बनता था और ये वुडन वर्क होता था छत के ऊपर। ये सारी चीज़ें हैं। मूल महल जो था ये 10वीं शताब्दी में लेचेन पालग्यान ने बनवाया था। शे पैलेस का निर्माण फिर बाद में 1655 में डल्डन नाम ग्याल ने करवाया जो कि सिंगे नांग ब्याल के पुत्र थे। इस महल को लहचेन पालजी गांव के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ की जो लद्दाखी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको महल को लहचेन पालजी गांव भी बोला जाता है, जिस जो कि लद्दाख की किंग्स की समर कैपिटल होती है। तो हम ऊपर चढ़ चुके हैं अब और इस पूरे महल को देखने की तैयारी है। यहाँ से भी देखिए व्यू पूरा वुडन बना हुआ था और चारों तरफ पहाड़ियाँ उनसे घिरा हुआ। चलिए अंदर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुराना है, आप देख पा रहे हैं ऊपर पूरा लकड़ी का काम होता था। ये मुख्य गोम्पा है और इसके बाहर जो पत्थरों पे देखे मंत्र, लद्दाखी मंत्र इस तरह से लिखे हुए हैं और इन पत्थरों को यहाँ बाहर रखा हुआ है। हम लोग आगे से देखते हैं। इन सभी स्टोन्स पे मंत्र लिखवा के जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ इसको रख देते हैं। बाहर से भी देखिए सामने से बहुत ही पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये जो गोम्पा है चारों तरफ श्रद्धालुओं का काम ये होता है कि वो उस पर बाकायदा मंत्र लिखवाते हैं और उसको फिर चारों तरफ रख देते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था शे पैलेस और यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी वो थे शाक्य मुनि बुद्धा, जो कि शाक्य लोगों के ऋषि माने जाते हैं और उन बुद्धा को बोलते हैं शाक्य मुनि बुद्धा। वो पूरी मूर्ति जो आपने देखी वो कॉपर की थी और वो 12 मीटर ऊंची है और उस पर गोल्ड प्लेटिंग की हुई है। ये देखिए पैनारामिक व्यू, शानदार। यहाँ से ले मात्र 20 किलोमीटर रह जाता है।